कि आपको भी माइनक्राफ्ट में एक विलेज ढूंढना है, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने माइनक्राफ्ट में 30 सेकंड के अंदर अंदर एक विलेज फाइंड कर सकते हैं। सो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। विलेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है, इसके बाद प्ले पर क्लिक करना है। प्ले पर क्लिक करने के बाद आप एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपने पुराने वर्ल्ड में भी विलेज को फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ, और फाइनली गाइज यहाँ पर मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है, जनरेट हो चुका है, और मैं यहाँ पर आइस बायोम में स्पॉन हुआ हूँ। अब मुझे यहाँ पर नियरेस्ट विलेज फाइंड करना है। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर चैट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर एक कमांड टाइप करेंगे विलेज फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे स्लैश, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर लोकेट स्ट्रक्चर विलेज। आपको ये कमांड लिखनी है, और यहाँ पर आपको जो एरो दिखाई दे रहा है, बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एरर शो हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैक क्लिक करना है और सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना होगा चीट्स का। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं चीट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप एक्टिवेट चीट्स को ऑन कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू, बैक आएंगे, रिज्यूम गेम करेंगे। अब आपको क्या करना है, दोबारा से आपको जो चैट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, वही कमांड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये कमांड दोबारा से एंटर करने के बाद आप एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नियरेस्ट विलेज के कोऑर्डिनेट्स शो हो जाएंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर चैट वाला ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो आपके जो भी वर्ल्ड में जो भी नियरेस्ट विलेज है उसके कोऑर्डिनेट शो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो वाई में आपको कुछ डालना होगा, क्या डालना है मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको यहाँ पर अभी फिलहाल स्लैश पर क्लिक करना है। स्लैश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टेलीपोर्ट पर क्लिक करना है, ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर नेम टैग पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने नियरेस्ट विलेज के कोऑर्डिनेट डालने हैं। जैसे कि यहाँ पर 312 एंड वाई में लिखा हुआ था, क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पर आप 99 एंटर कर देंगे या 100 एंटर कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर था -344। कोऑर्डिनेट एंटर करने के बाद एरो पर क्लिक करना है, और अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नियरेस्ट विलेज के जो भी हमारे आसपास में विलेज था वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ, बट यहाँ पर ग्राफिक्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अभी ही थोड़ी देर में फिक्स हो चुकी है। और आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने नियरेस्ट विलेज में स्पॉन हो चुका हूँ। सामने ही मेरे आयरन गोलम है, यहाँ से मैं निकलता हूँ, और यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं पूरा एक मस्त सा विलेज है। अब यहाँ पर आप लूट कीजिए, जो भी करना चाहते हैं, जिस पर्पज से आप विलेज फाइंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट बॉक्स में हमारे मोटिवेशन के लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।